वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मुश्ताक शरीफ। आज मैं आप पहुंचा हूं उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले का एक और बेहतरीन शहर जिसका नाम है रंभा। क्या आप रंभा के बारे में जानते हैं? क्या आप सुने हैं कभी? क्या कभी आप यहां आए हैं? कोई बात नहीं, आज मैं आपको रंभा को एक्सप्लोर किए देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप उड़ीसा के छोटे मोटे गाँव को जरूर आएँ, एक्सप्लोर करें, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। रंभा, ये किसी समंदर मंथन से बनी अप्सरा का नाम नहीं, जिन्होंने कभी ऋषि वाल्मीकि की तपस्या को भंग किया था, बल्कि चिल्का तट के किनारे बसा एक प्यारा सा गांव का नाम है, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज से शायद तकरीबन 12 या 15 साल पहले की बात है। अगर आपको बाई रोड भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर या ब्रह्मपुर से भुवनेश्वर की ओर जाना हो तो आपको रंभा होते हुए जाना होता था, लेकिन जब से नेशनल हाईवे बन गया तब से रंभा उड़ीसा के मानचित्र से थोड़ा थोड़ा धूमिल होता गया। मुझे तो पता नहीं कि गंजाम के अलावा उड़ीसा के कितने लोग होंगे जो रंभा को जानते होंगे। हमारा रंभा गंजाम जिला के पुराने शहरों में गिना जाता है। किसी जमाने में, मतलब नेशनल हाईवे बनने के पहले की बात है, कभी यहाँ अच्छे ढाबे हुआ करते थे। अक्सर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर के लोग रुककर यहाँ खाने का आनंद लेते। इवन ट्रक ड्राइवर्स का भी फेवरेट हॉल्टिंग पॉइंट हुआ करता था। फिलहाल आप जो नजारा देख रहे हैं ये रंभा रेलवे स्टेशन के बाहर का नजारा है। है ना कितना मेंटेन और अमेजिंग। रंभा से सटा हुआ सुबाड़े पंचायत है जो रंभा स्टेशन के करीब है। काइंडनेस हब नाम की संस्था रंभा एनएसी के द्वारा संचालित है। अगर किसी के पास पुराने कपड़े हों तो वो कपड़े यहाँ आके स्वेच्छा दान कर जाते हैं। यहाँ जमा कपड़े जरूरतमंद लोग यहाँ से उठा ले जाते हैं, जिससे कि उनका आत्मसम्मान भी बना रहता है। एक अच्छा हॉस्पिटल किसी भी आदर्श गांव के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। अगर साथ में 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा हो तो क्या बात है। अगर आप ट्रेन के रेगुलर ट्रेवलर हैं तो आपने रंभा स्टेशन को तो देखा ही होगा, भले ही कभी कोई ट्रेन यहाँ रुके या ना रुके, सिवाय पैसेंजर ट्रेन के और एक आध एक्सप्रेस ट्रेन के। लेकिन हमें ये जानने की उत्सुकता तो बनी ही रहती है कि अगला स्टेशन कौन सा है। शायद आपने भूले भटके से ही सही रंभा स्टेशन को ट्रेन के अंदर से तो जरूर देखा होगा। उड़ीसा सरकार द्वारा चलाए जाने वाला आहार केंद्र जिसमें मध्याह्न भोजन की कीमत सिर्फ 5 रुपए है, जिसमें चावल, डालमा और अचार मिलता है।
मैंने पाया लोग यहाँ के खाने पीने से काफी संतुष्ट हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि शायद कोई कमर्शियल होटल जो यहाँ आसपास गांव में होता होगा वहाँ पर इतनी साफ सफाई नहीं होगी जितनी यहाँ पर है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने वहाँ पर लंच किया था किसी छोटे से होटल में। वो बहुत ही छोटा सा होटल था और इतना साफ भी नहीं था जितना यहाँ पर है। एक अच्छी लाइब्रेरी किसी भी स्टूडेंट का एक सपना होता है कि काश वहां से वो सारी पुस्तकें मिल जाएं जो आम तौर पर खरीदना नामुमकिन हो। हमारे रंभा में ढेरों स्कूल मौजूद हैं, इंग्लिश मीडियम और उड़िया मीडियम। अगर आप रंभा के निवासी हैं और आपका कौन सा स्कूल है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका स्कूल इस वीडियो में नहीं है तो मुझे थोड़ा प्यार से डांटें, हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं ये दिखाना नहीं भूलूंगा। सन 2011 के जनगणना के अनुसार रंभा की कुल आबादी तकरीबन 12,000 से ज़्यादा है, जिसमें पुरुष 50% हैं और महिलाएं 50%। सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ की साक्षरता दर 56% है, जो कि बहुत कम है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। रंभा अपने पंथ निवास के लिए ज्यादा जाना जाता है और चिल्का के क्रैब्स और फिश के लिए भी। रंभा में आकर बोटिंग करना सभी लोगों का एक सपना होता है, बस ये सपना कुछ ही किस्मत वालों का साकार होता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सी श्रेणी में हैं, किस्मत वालों की या कोई नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रंभा में ब्रेकफास्ट आइलैंड यहाँ का टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उड़िया लोकल टूरिस्ट के अलावा सारे हिंदुस्तान से ज़्यादातर बंगाली टूरिस्ट ही यहाँ आते हैं। शायद हमने पूरे देश में रंभा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैप के अंदर प्रमोट करने में शायद कुछ कसर छोड़ दी है। उम्मीद है ये वीडियो देखकर कुछ टूरिस्ट ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग के लिए आते हैं या फिर प्रेमी प्रेमिका एकांत की तलाश में चिल्का के नीले झील को निहारने आते हैं। इसी बहाने यहाँ की आबोहवा शायराना और प्रेम से सुगंधित रहती है। चटपटा चना मुड़ी या झाल मुड़ी उड़ीसा के छोटे मोटे शहरों में ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ है। आप अगर टेस्ट करेंगे तो आप ये टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे।
अब बारी है मंदिरों के दर्शन की। जब आप मंदिरों के दर्शन कर रहे होंगे तो बैकग्राउंड में एक सुंदर सा भजन चल रहा होगा। इस भजन को गाया है मेरे अजीज दोस्त जगन्नाथ पंडा और उनके सुपुत्र कीबोर्ड पर सोहम पंडा, जिन्हें मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु हुए समाधान तोर ठारे रहु मोर तन मन ध्यान नाम तोर नेले प्रभु हुए समाधान सूत्रधार तू विश्वर तते गूढ़ ज्ञान काल गति परि घूरे चक्र त महान मिलु मोक्ष तोर नामे मते दे दान नाम तोर नेले प्रभु हुए समाधान काम क्रोध माया पोछे मन मोर धाए खाली निराशरे फेरे एठारे सेठारे आहे प्रभु अंतर्यामी तते सब ज्ञान नाम तोर नेले प्रभु हुए समाधान मोर घर मोर बंधु दर्शन रास सुन प्रभु हे मयष्ट हटु मोर मन मैंने अपनी ओर से कोशिश की थी कि मैं आपको रंभा सिटी दिखा सकूं। मुझे पता नहीं कि मैंने कितना सफल हुआ हूं, कितना जस्टिफाई किया हूं। अगर आपने रंभा को जाना है तो या तो जाना है पंथ निवास के लिए या फिर चिल्का के लिए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि कोई लड़की इस गांव से कहीं और शादी होकर गई है या कहीं की लड़की यहाँ आके पूरी ज़िंदगी अपनी निछावर कर दी है। यहाँ के बहुत सारे लोग पता नहीं देश विदेश में होंगे, हमने इस गांव कभी गांव के नज़रिए से नहीं देखा। कोशिश करेंगे कि ऐसे बहुत से गांव हैं जो मैं आपको दिखा पाऊँ। गांव की गलियां, रास्ते, चौबारे, बाज़ार, मंदिरें, स्कूल वगैरह, शायद कहीं अपने आप को आप यहां से रिलेट कर पाएँ। मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शब खैर।